बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और मैं समझती हूँ कि ऐसी जगह पे ही हम लोगों को मोदी जी के एक साल की जो आज सालगिरह मना रहे हैं वो ऐसे स्थान पे मनाने का काम आपने किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। रामचरण जी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आपके दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सुन रही हूँ कि भोजन भी करा रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। हनुमान जी के दर्शन भी आपने करा देंगे और हमने भोजन का इंतजाम किया है, उसमें भी आपको वादा होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इतने सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया उसकी मुझे खुशी है। और हम लोग सब बार बार इस चीज को कहते हैं, परंतु वाकई में इस चीज को मानते हैं कि बिना कार्यकर्ता के, बिना आप लोगों की मेहनत के हम लोग यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आज जयपुर के इस मंच के ऊपर तो हम लोग सब बैठे हैं, परंतु ऊपर वाले मंच के ऊपर भी हमने जो सपना देखा था और कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि अटल जी वहां पहुंचे, उसके बाद कभी हमको भी मौका मिलेगा, ऐसा मौका आप लोग सब ने मिलकर जो हमको सबको दिया है उसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक हमसे आपके बधाई। सब माताएं बहने हैं, हमारे जो महिला कार्यकर्ता है, सब हमारे भाई, उन लोग सबने मिलकर कुछ काम लिया है। जैसे मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए, हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इतना सब कुछ किया, इतने जोरदार तरीके से हमारा साथ दिया कि अब हमारी बारी है, हम लोगों को सबको मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और जिन लोगों ने हमको वोट दिया है उन सबके लिए अब कुछ करना है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, हम सबको हमारे कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए और सब हमारी जनता को ध्यान में रखते हुए अच्छे काम करके भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का काम बहुत जोरदार तरीके से करना है। एक भामाशाह का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से अब चल पड़ा है और उसको साथ साथ उसके साथ जोड़ने को, ये भामाशाह का कार्यक्रम आप लोग जानते हो कि 2007 के अंदर से हम लोगों ने चालू किया। आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि इसके साथ जो आधार का कार्यक्रम जुड़ा, इसके साथ जो जनधन का कार्यक्रम जुड़ा, इन तीनों कार्यक्रम ने हमारे भामाशाह की कार को अच्छा मजबूत बनाने का बहुत बड़ा काम किया है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात तो यह है कि हमने पहली जगह इस कार को हमारी महिलाओं के साथ जोड़ने का काम किया। मोदी जी का पूरा सपोर्ट, जनधन के अंदर बहुत सारे खोले हुए बैंक अकाउंट और उसके साथ साथ आधार का जो कार्ड, उन सबको जोड़ने का काम हम लोगों ने जब किया तो मैं मानती हूँ कि कुछ 5-6 महीने के अंदर एक ऐसा कार्ड आपको मिल जाएगा जिस कार्ड के ऊपर जो भी हमारी स्कीम्स है, सरकार की स्कीम्स है, वो तो आपको मिल ही जाएंगी। डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर हमारे बीपीएल परिवारों को जो इंश्योरेंस के ऊपर एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम है और साथ में जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम लोग पैसे देने के काम कर रहे हैं, उसका इंतजाम किया है, वो भी उस कार्ड के ऊपर कुछ ही महीनों के अंदर मिलने की संभावना है। और हम चाह रहे हैं कि इस साल के अंत तक एक ऐसा कार्ड आप लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा काम आगे चल के होगा। ऐसे लोगों ने हमसे पूछा कि मोदी की सरकार ने अभी तक क्या किया है। हमारे कार्यकर्ता के लोग हैं, जो लूनी बेसिन के लोग हैं, जो चंबल बेसिन के लोग हैं, जो जो इलाके में वहां रह रहे हैं, उन सबको साथ में जोड़ के उन नदियों को जोड़ने का काम हम लोग बहुत जल्दी चालू करेंगे। और रिवर बेसिन अथॉरिटी का नाम हमने ऑलरेडी ले लिया है, उसको विधानसभा के द्वारा हमने पारित भी कर दिया है और मैं ये विश्वास करती हूँ कि इसका काम भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा। कुछ तो काम चालू हो चुका है परंतु इसका आने वाले दिनों के अंदर आपको रिजल्ट देखने को, इतना डर लोग अब करने लगे हैं, इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि ऑर्गेनिक की तरफ अपने को ध्यान देने की जरूरत है, अपने किसानों तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि हमारी सब सिटीज जो है, हमारे सब शहर चमक उठेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा देख के, और जो लोग बाहर से आते हैं वो भी देख के ये कहेंगे कि कितना सुंदर शहर है हमारा जयपुर या बीकानेर या जोधपुर। और इसके लिए हमने एक प्राइज भी दिया है, इस बार जोधपुर जीता है, अगली बार मैं ऐसा बात तो बैठे हुए होंगे। जहां से वो निकलती है वहां से सब लोग इस कोशिश में हैं कि हम अपने इस
इलाके को जहां से हमारी गंगा निकली है उसको साफ रखने की हम कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और उनको पूरी तरह से सफलता मिले ये हम सबकी प्रार्थना है। आज के दिन हम हमारी सरकार दिल्ली की सरकार के एक साल को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करें कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मजबूत बनाए ताकि जनता के सामने उनने जो वायदे किए हैं उन पूरे उन वायदों को वो पूरा कर सके और मिलकर पूरा कर सके, एक परिवार के रूप में पूरा कर सके और प्यार और खुशी के साथ इसको कर सके, लोग हंसते हुए मिले यही हमारी प्रार्थना है, लोग खुश मिजाज रहे यही हमारी प्रार्थना है, समृद्ध रहे हमारा हिंदुस्तान और उसके साथ साथ समृद्ध रहे हमारा राजस्थान, यही कहते हुए आप लोग सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक जोरदार नारा आप लोगों के साथ, जय जय राजस्थान, जोर से एकदम जय जय राजस्थान और जय जय हिंदुस्तान, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।